चिंटू सोफे पर बैठकर मोबाइल में सपना चौधरी का डांस देख रहा था। लेकिन तभी उसकी बहन उसे देख लेती है और फिर अपनी माँ को आवाज लगाकर बुला लेती है। आवाज सुनते ही माँ तुरंत वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। लड़की चिंटू का फोन छीन कर अपनी माँ को दिखाती है। इस बार मोबाइल में नूरा फतेही का डांस चल रहा था। ये सब देख माँ को गुस्सा आ जाता है और फिर माँ बेटी चिंटू को वॉशिंग मशीन में डालकर तबीयत से धुलाई कर देते हैं। 15 minutes later. Oh no! माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिर एक दिन चिंटू की बहन अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके अपने घर बुलाती है और चिंटू दूसरे कमरे में था। मैसेज देख छपरी बॉयफ्रेंड अपनी बाइक उठाकर सीधा अपनी गुलाबों के घर पहुंच जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे साले, और फिर दोनों रोमांस के मूड में आ जाते हैं। पिक्चर स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ ससुरा चिंटू आ टपका। चिंटू बोलता है कि इस छपरी को घर में क्यों लाई, माँ को बताऊंगा। इस छपरी के साथ इलू इलू कर रही थी। इतना सुनते ही उसकी बहन चिंटू को पिल्ले की तरह उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। फिर चिंटू कैसे भी घर के अंदर चला जाता है। और अंदर का नजारा देख चौंक जाता है। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ये कांड देख चिंटू तुरंत अपनी माँ को बुलाकर लाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। लेकिन तब तक साला सारा सीन बदल जाता है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शाबाश। अब ये देखो, ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने मम्मी पापा से मिलाने के लिए घर लाती है और लड़के के चेहरे को स्माइली निर्देश देकर दरवाजा खटखटाती है। रसोड़े में खाना पकाती माँ जब दरवाजा खोल बाहर आती है, लड़की दरवाजे के चक्कर में अपनी माँ के थोबड़े पर भी दो चार बजाती है। माँ अपनी बेटी के थप्पड़ को तो सहन कर जाती है, लेकिन उस छपरी लौंडे को अपनी बेटी के साथ देख गुस्सा हो जाती है। फिर माँ अपनी बेटी को घर में खींच लाती है। लड़का उदास होकर वहीं खड़ा रह जाता है और तभी लड़की का बाप माँ को चुम्मी देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ठीक है। बाप के जाते ही बेटी अपने कपड़ों की पोटली में डंडा घुसेड़ कंधे पे रखकर घर छोड़कर लड़के के पास चली जाती है। अच्छा, लेकिन ये क्या, कुछ ही मिनट में लड़की वापस घर में लौट आती है। लड़की की मां ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई, क्यों बॉयफ्रेंड छोड़कर भाग गया क्या? इतना सुनते ही लड़की ने मां से कहा, उस कमीने की तो बात छोड़ और बाहर जाके जरा अपने आदमी को देख। इतना सुनते ही मां बाहर आकर जो देखती है, उसे देखकर मां के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कब हो गई? कब हुआ? कब? तुम बड़ा खुश हो रहे हो? खैर, आजकल तो चलता है। अगले दिन सुबह चिंटू के माँ बाप बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और चिंटू के बुड्ढे की नजर उस कमसिन पड़ोसन पर पड़ जाती है। पड़ोसन के फिगर को देख बुड्ढे की नीयत डोल जाती है, लेकिन पास बैठी बुड्ढी मोबाइल में बिजी हो जाती है। इसी का फायदा चिंटू के बुड्ढे ने उठाया और होले होले बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया। बुड्ढा मन ही मन सोचता है कि आज तो भाई जन्नत की सैर होगी। बुड्ढे के मन में लड्डू फूटा और वो बाथरूम के गेट की तरफ टूटा।
फिर जैसे ही बुड्ढे ने बाथरूम का गेट खोला, बाथरूम का नजारा देख बुड्ढे का नुन्नू भी टेंशन में होला। बुड्ढा तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कमसिन पड़ोसन का वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच बुड्ढी का ध्यान बुड्ढे की तरफ जाता है, पर वहां बुड्ढे की जगह कुछ और नजर आता है। बुड्ढी अपने बुड्ढे की हरकतों से वाकिफ थी, फिर बुड्ढी सीधा बाथरूम की ओर रास्ता नापी थी। आफ्टर ठुकाई बुड्ढा गुस्से में था भाई, तभी बाथरूम से पड़ोसन के नहाने की आवाज आई। बुड्ढे के मन में फिर लड्डू फूटा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे साले, बुड्ढे ने आओ देखा ना ताओ सीधा बाथरूम में छलांग लगाई। थोड़ी नूरा कुश्ती के बाद पता चला बाथरूम में पड़ोसन का पति था मेरे भाई। एक दिन चिंटू टीवी में दो कुत्तों की लड़ाई देख रहा था, लेकिन तभी पीछे से उसकी बहन आ जाती है। चिंटू टीवी को बंद करने की बहुत कोशिश करता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अच्छा बात नहीं है। ये सब देख क्रिमसी अपनी माँ को बुला लेती है। माँ के आने के बाद क्रिमसी माँ को चिंटू की करतूत बताती है। बेचारे चिंटू की इस बार भी धुलाई हो जाती है। गजब बेइज्जती है, बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रात का समय था, क्रमसी ने चैनल बदला और टीवी देखते देखते सो गई। चिंटू को नींद नहीं आई तो चिंटू ने चैनल बदला। अरे ये क्या, इस बार कोई हॉरर चैनल लग गया है। आधी रात हो चुकी थी, फिर अचानक एक डरावना सीन आता है और चिंटू डर के मारे क्रिमसी की चादर में जाकर छुप जाता है और डर के मारे जोर जोर से कांपने लगता है। फिर अचानक चिंटू की माँ कमरे में आ जाती है और वो कुछ और समझने लगती है। तू समझा? हाँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब तू गया बेटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा बात नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे साले, खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।